कब से घूम रहे थे? देखिए ना, पता लगा है। 30 तारीख से शुरू किए हैं, 30 और 1, 2 और 3 ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं। कैसा भिन्न भिन्न समाज, अब जात पाति का मामला चल रहा है पुराने में, आपको क्या मिला? नहीं, सब समाज के लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के समर्थन के बाद एनडीए के समर्थन में भारी जनभार हुआ है। क्या लगता है पुराने चुनाव में क्या होगा? पुराने चुनाव में एनडीए श्योर जीतेगी, और क्या लगता है? कितना मतों से जीतने का आसार? ये बात हम भविष्यवक्ता थोड़े, भारी मतों से जीतेंगे। महागठबंधन दावा ठोक रही है, महागठबंधन दावा गोपालगंज में भी ठोक रही है। 30,000-35,000 से आनंद सिंह जीते थे, ललदेन का है, ललदेन छाप लिए तो 17,000 पर आ गए। चाहे जितना भी कर्म कुकर्म कर ले, उसके झांसे में कुढ़ने की जनता नहीं आने वाली है। जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ा हुआ है, और उत्पाद विभाग के द्वारा गरीब गुरबा जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं या अन्य समाज के लोग ताड़ी बेचने का जो काम करते हैं, उनको नाहक गिरफ्तार करके बंद करने का जो काम किया जा रहा है मुजफ्फरपुर के अंदर, और खास करके कुढ़नी में, इसका जवाब वोट से देने का काम करेगी राज्य सरकार के खिलाफ वोट दे करके। और आपको बता दें कि अभी 3 दिन पहले जिस तरह से अरवल के अंदर दलित समाज के महिला को घर में जिंदा जला देने का काम किया गया है, और उस पर राज्य सरकार कान बंद करके बैठी हुई है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसका बदला संपूर्ण दलित समाज कुढ़नी के चुनाव में लेगा, और लेकर के एनडीए प्रत्याशी केदार गुप्ता को जिताने का काम करेगा। और क्षेत्र में घूमने से यह पता चला हम लोग को कि कुढ़नी की जनता अति उत्साहित है, कि पिछली बार जो गलती कुढ़नी के जनता ने की थी, वह गलती नहीं करने जा रही है। इस बार एकजुट होकर के एनडीए प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करेगी। भेजे जो घोटाला करके गया, फिर भी आपको लाज नहीं आ रहा है, शर्म नहीं आ रहा है कि आप आ रहे हैं वोट मांगने या जात पात की राजनीति कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज के बीच में, चाहे वह निषाद समाज हो, सवर्ण समाज हो, ये जो पिछले दिनों चला है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, इन सब का हवा निकल चुका है, और आज भाजपा में बना हुआ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही थी, केदार गुप्ता उस कमल को थाम कर, और यहाँ की जनता, हम जनता को साधुवाद देते हैं कि गांव-गांव में जहां हमारा प्रत्याशी नहीं पहुंच रहा है, खुद से अपने आप को केदार गुप्ता समझ रहा है, अपने आप को नरेंद्र मोदी समझ रहा है, और आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और युवा मोर्चा पूरे टीम, पूरा जिला, पूरा प्रदेश यहां लगा हुआ है। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, ये जो नीतीश कुमार है, पूरा सरकार और पूरा संगठन, और एक संगठन नहीं, ये इनका जो डूबता हुआ संगठन है, क्या नाम है इनका, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, पूरा विपक्ष लगा हुआ है, पूरा सरकारी पैसे का यहाँ पर बंटाधार किया जा रहा है। अब सरकार के पैसे से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमको विश्वास है पूरा कुढ़नी का जनता मुँह तोड़ जवाब देगी 5 तारीख को, और 8 तारीख को हम सब मिलकर आपके साथ यहाँ पर उत्सव मनाएंगे, और फिर कुढ़नी के विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। अपना परिचय बताइए। संतोष रंजन, जिला महामंत्री, भाजपा युवा मोर्चा। 1000 से ऊपर मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। वोटर बोल रहा है, सपोर्टर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ नहीं जीतेगा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बताइए, अभी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता मंत्री, और मेरे बाएं तरफ खड़े हैं दिनेश चंद्र यादव जो सांसद हैं मधेपुरा से, और बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और हम लोग दोनों एक बैचमेट हैं, और महागठबंधन के हम लोग दोनों भाई हैं, और यहाँ महागठबंधन के सारे लोग उपलब्ध हैं। 7 पार्टी के हमारा मत गठबंधन है, 7ों पार्टी यहाँ पर मौजूद है। और कुढ़नी विधानसभा में लोग जोड़ लगाए थे, जो नोट बंद किए थे 2000 वाला, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे, रातों रात, पर वो नोट कोई ले नहीं रहा, इसलिए वो नोट नकली है। वो कब
बंद हो जाएगा कोई नहीं जानता, जब 1000 का रुपया बंद हो सकता है तो 2000 वाला तो गायबे हो गया मार्केट में। तो अभी मामला चल रहा है यहाँ पर, नौजवान का बहुत सा डिमांड है, तो हमने नौजवान को आश्वासन भी दिया और इस काम को मैदान में भी उतार दिए हैं कि जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको नौकरी 10 लाख हम लोग देंगे, और प्रतिदिन इसकी बहाली भी चल रहा है, नियुक्ति पत्र भी बट रहा है। 10 लाख हम लोग बेरोजगार नौजवान को रोजगार देंगे और वह भी काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब तक ये 20 लाख टारगेट नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, इस काम को हम अंजाम दे के रहेंगे, इस काम को कार्य को हम लोग करा के रहेंगे। सर, 2019 से लगातार स्टेट और सीटेट के विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले बार बहाली हुई थी, अभी तत्काल मुख्यमंत्री जी भी आपको शिक्षा मंत्री को बुलाए थे, लेकिन इस पर अभी विज्ञप्ति नहीं निकला है, क्या कहेंगे? नहीं, आचार संहिता के चलते इसका विज्ञप्ति रोका गया है, चूँकि आचार संहिता लागू है तो हम लोग आचार संहिता को पालन करने वाले लोग हैं, तो आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर इसका निकल जाएगा। अब सर सहकारिता मंत्री है, इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ कीजिएगा? नहीं, सहकारिता मंत्री के हैसियत से इस क्षेत्र में हमने कहा है कि दिन कुंडी के स्पेशल आप लोग के साथ बैठक कर देते हैं और जो समस्या है किसान को उसको सुन के सरकार से पहुंचा के सरकार से हम लाभ दिलवा दें, अपना मोबाइल नंबर भी दे दिए, अपना एड्रेस भी दे दिए हैं। आई लोग के बोले हैं कि आचार संहिता जैसी ख़त्म होगा तो एक सभा लगाइएगा, किसान सभा, और उसमें हम आना चाहेंगे और समस्या का समान सरकार और किसान के बीच का जो दूरी है वो हम समाप्त कर देंगे, मेरा जिम्मेवारी बनता है। एक मिनट सर, एक मिनट, अभी जो सहकारिता है पैक्स अध्यक्ष में किसान जुड़ना चाहते हैं लेकिन पैक्स अध्यक्ष नहीं जोड़ते हैं, इसके पीछे और आम जनता का कहना है कि हर किसान की परिवार को 2 सदस्य का होना ज़रूरी है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हर बात को अभी कह देना अच्छा नहीं रहेगा। जी जी, जब बैठेंगे ये जो समस्या आएगा तो उसमें आपको हम निमंत्रण दे देंगे, आपको भी इनवाइट कर लेंगे। जी जी, आप आइएगा, उस बात को रखिएगा, आप याद दिलाइएगा, उसका भी समाधान हम निकाल देंगे। अभी आप पैक्स अध्यक्ष कितना हाथ उठाइए, तो लेकिन आपके गांव में चाहे पंचायत में किसानों की संख्या है उस रेशियो में आपकी मेंबर नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया सर। नहीं, अभी जो है से चुनाव प्रचार चल रहा है जी, तो गांव में सारे लोग जो हैं कुछ तो खेत में चल गए जी, और कुछ लोग जो है